नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी और आज की खास खबर अल्मोड़ा से। सावधान रहें, होशियार रहें, क्योंकि आपके मोहल्ले में रात को गश्त तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक खूंखार गुलदार निकलता है। अगर आप समझते हैं कि आप अपने घर की चार दीवारी के भीतर सुरक्षित है तो यह आपकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह बेखौफ गुलदार शिकार की तलाश में ऊंची ऊंची चार दीवारी को फांद बड़े आराम से आपके घर आंगन में भी दाखिल हो रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी हकीकत बयां कर रहे हैं जो बकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हालांकि गुलदार की चहलकदमी का यह नज़ारा अल्मोड़ा के नरसिंहबाड़ी मोहल्ले का है, लेकिन यकीन मानिए नगर क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां गुलदारों की आवाजाही न देखी गई हो। जब रात का भोजन कर आप अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं तब यह गुलदार अपने शिकार की तलाश में आपके मोहल्ले व घर के आसपास मंडराने लगता है। इन दिनों नरसिंहबाड़ी मोहल्ले के लोग सबसे ज़्यादा खौफजदा हैं। यहाँ गुलदार हर तीसरे चौथे रोज किसी न किसी पालतू या आवारा कुत्तों को अपना निवाला बना रहा है। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि एक गुलदार मोहल्ले के संपर्क मार्गों, तंगलियों, मकानों की छतों, हर जगह यह उछल कूद करता देखा गया है। पहले पहल तो यह रात के रात मोहल्ले में दाखिल होता था, लेकिन इन दिनों रात करीब 9 से 10 बजे के बाद से ही इसकी आवाजाही देखी जा रही है, जो लगभग सुबह 4:45 बजे तक रहती है। यहाँ इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गुलदार सुबह करीब 4 बजे से मोहल्ले में घूम रहा है। वह एक निजी स्कूल किड्स प्लेनेट की चार दीवारी फांद दाखिल होते दिखाई देता है। काफ़ी देर तक वह इधर उधर घूमता है। गुलदार की आवाजाही के ये दृश्य नरसिंहबाड़ी निवासी गोपाल सिंह जीना के भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि यह गुलदार आवासीय परिसर के भीतर से सड़क और फिर स्कूल में दाखिल हो रहा है। मोहल्ले के नागरिकों का कहना है कि रात के समय यही गुलदार उनके मकानों की छतों में भी चढ़ रहा है। देर रात उसके गुर्राने की आवाज़ साफ सुनी जा रही है। गुलदार की दहशत का आलम यह है कि अब तो मोहल्ले के लोग देर रात अकेले अपने घर के आंगन में भी घूमने से कतराने लगे हैं। सुबह के समय ट्यूशन जाने वाले स्कूली बच्चे भी गुलदार के आतंक के चलते ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस भारी दहशत के बीच भी वन महकमा उदासीन बना हुआ है। यहाँ गुलदार को पकड़ नागरिकों को इसकी दहशत से मुक्त कराने के लिए अब तक संबंधित महकमे द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। यह बात बेहद अफसोसजनक है। तो हमारा प्रयास कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब।